दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति बनाकर जीत के समीकरण को साधने में लगे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर अलवर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की और पार्टी की तैयारियों का जायजा भी लिया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सहानुभूति ज्यादा दिन तक नहीं चलती, हम मोदी सरकार के विकास के कार्यों के दम पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को जीतेंगे। उन्होंने ये विश्वास जताया कि जनता मोदी सरकार के विकास की योजनाएं और भाजपा के नेतृत्व पर भरोसा करती है और इस बार भी पार्टी को भारी समर्थन मिलेगा। राठौर ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया और भाजपा की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण से ही पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। इस दौरान राधा मोहनदास अग्रवाल ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें चुनावी रणनीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पार्टी की नीतियों और योजनाओं को मजबूत करने पर जोर दिया और सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की। भाजपा नेताओं का ये दौरा आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पार्टी अपनी मजबूती और जन समर्थन को और अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तब राजस्थान उपचुनाव 2024 में क्या होना है, ये आपको ग्राफिक के जरिए सबसे पहले बताते हैं। देखिए, उपचुनाव है तो 7 विधानसभा सीटें हैं जहां पर ये उपचुनाव होना है और दोनों ही पार्टियां ने कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। चुनावी तैयारी है तो दिग्गज भी चुनावी मैदान में है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष आप देख रहे हैं कि लगातार जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर जाकर के कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की बैठक कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक की है। राधा मोहन अग्रवाल और मदन राठौड़ दोनों आपको बता दें कि पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बैठक करके चुनावों की रणनीति पर चर्चा भी की है। चुनावी तैयारियों का जायजा भी इन दोनों ही नेताओं के द्वारा लिया गया है और मीडिया से इसके बाद मदन राठौड़ मुखातिब हुए हैं, मीडिया से बातचीत की है और इन 7 सीटों को लेकर के उन्होंने कहा कि भाजपा सहानुभूति की लहर पर नहीं चलती, क्योंकि सहानुभूति ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, ये बात राठौड़ ने कही है और विकास के नाम पर ही हम अपना जो उपचुनाव है वो लड़ेंगे, ये बात भी राठौड़ ने स्पष्ट कर दी। भाजपा के नेतृत्व पर जनता को भरोसा है और जनता जो भाजपा का नेतृत्व है उस पर भरोसा कर रही है और इस बार भी पार्टी को भारी समर्थन मिलेगा, ये बात विधानसभा उपचुनावों के मद्देनज़र राठौड़ के द्वारा कही गई है। तो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार दोनों ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस लगी हुई हैं। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं राजस्थान उपचुनाव 2024 को लेकर के। राधा मोहन अग्रवाल और मदन राठौड़ ने बैठक की है, कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत का संदेश दिया है। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की है, ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो चुनावी तैयारियां हैं उसमें कार्यकर्ताओं को रणनीति समझा दी गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सहानुभूति की लहर ज़्यादा दिन तक नहीं रहती और इसलिए भाजपा विकास के दम पर ही चुनावों में जाएगी और विकास के ही मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेगी। तो सहानुभूति ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, विकास के नाम पर हम उपचुनाव लड़ेंगे, ये बात राठौड़ ने कही है और भाजपा के नेतृत्व पर जनता भरोसा करती है और इस बार भी पार्टी को भारी समर्थन मिलेगा उपचुनावों के मद्देनजर, ये बात राठौड़ ने कही है। तो 7 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव होगा। ये तो हमारे यहाँ और कुछ नहीं होता है, किसी भी कार्यकर्ता को जहाँ भेजा जाता है वो कार्यकर्ता सिपाही बन के काम करता है। मेरी जगह कोई भी आता तो वही भी वो भी यही काम करता और मैं भी वही काम। सर, राजस्थान में 7 विधानसभा में उपचुनाव होने, आपकी पहली परीक्षा है, क्या तैयारी? वैसे तो देखिए, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव के तरीके से चुनाव लड़ेंगे। एक व्यक्ति कुछ नहीं करता है,
परीक्षा हम सबकी होती है, हम सामूहिक निर्णय करते हैं, सब साथ बैठ के तय करते हैं। एक व्यक्ति के तो केवल वो प्रस्तुतिकरण उसका होता है, बाकी सब मिलके काम। राजस्थान में भाजपा सदस्यता अभियान को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही। एक दिन में 23 लाख बनाने थे, 2 लाख, और अभी महामंत्री ने भी आपकी तारीफ करी थी और पार्टी पे नाराजगी जताई थी सदस्यता अभियान को लेकर। एक बात बताऊं, आपका बेटा कितना ही नंबर लाए फिर भी आप कहोगे बहुत कम लाया है, यही होता है, और मेहनत कर और अच्छे नंबर ला, यही भाव होता है, परिवार का भाव है हमारे। रामगढ़ में हमेशा सिंपैथी भारी रही है, तो इस बार पार्टी क्या तोड़ लेगी इसकी? देखिए, सिंपैथी की बात नहीं है, हम विकास के नाम पर, काम के नाम पर आशीर्वाद लेना चाहेंगे। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी ने दुनिया में जो विकास, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और देश में जो विकास किया है, और राजस्थान में भी भजन लाल जी की सरकार है, अच्छा बजट दिया है, दोनों के बजट को लेकर के और हमारे द्वारा किए गए कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। केवल सहानुभूति के भरोसे हम जनता के बीच, और सहानुभूति ज़्यादा दिन चलती भी नहीं। सर, SC को कम मिलता है बीजेपी के? नहीं, कतई नहीं। जिलाध्यक्ष बहुत कम है आपके? जिलाध्यक्ष SC के सभी मोर्चे, हमारा जो अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति मोर्चा होता है ना, वो सब सक्रिय है, सब काम कर रहा है। अलवर में आज तक SC का जिलाध्यक्ष? अलवर में आज तक SC का जिलाध्यक्ष नहीं बनाया बीजेपी। SC का जिलाध्यक्ष है। सर, रामगढ़ के उपचुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से दावेदार आपके सामने आगे आ रहे हैं और किस तरह आएंगे? चुनाव की घोषणा होने के बाद आएंगे, अभी घोषणा नहीं हुई, अधिसूचना तैयारी अभी से शुरू हो गई है सर, अभी तो संपर्क अभियान चल रहा है। सभा सीटें हैं जिसके उपचुनाव में आप देख रहे हैं कि जो रणनीतिक तौर पर तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और अब बातचीत करते हैं, दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए अलवर से। दिनेश, आपसे जानना चाह रहा हूं कि रामगढ़ विधानसभा सीट, हम देख रहे हैं कि दोनों दल दावेदारी जाहिर है कि ठोंक रहे हैं, लेकिन किस तरीके से इस उपचुनावों को आप देख पा रहे हो, जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए, आज जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं राधामोहन अग्रवाल, वो और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, जो दोनों नेता हैं, आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के लिए और जो तैयारियां चल रही हैं उनका फीडबैक लेने के लिए रामगढ़ विधानसभा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। आयुष, जुबेर खान है जिनका भी कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ है, रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर वो विधायक थे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस निश्चित रूप से यहां पर जो सहानुभूति की लहर है, सहानुभूति यहां पर बटोरना चाहती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस यहां पर जुबेर खान की जो पत्नी है, पूर्व विधायक है साफिया खान, जिला प्रमुख भी रह चुकी है, या तो उन पर टिकट के रूप में दाव लगा सकती है, या उनके जुबेर खान के बेटे हैं आर्यन खान, उनके ऊपर भी कांग्रेस यहां पर टिकट का दाव लगा सकती है। ज्यादा संभावनाएं आर्यन खान को टिकट देने की है, क्योंकि जुबेर खान के निधन के बाद जो उनकी पत्नी है साफिया खान, वो इस सीट से विधायक रह चुकी हैं, जिला प्रमुख रह चुकी हैं, दोनों पति पत्नी एक लंबी पारी राजनीति में इस विधानसभा सीट से खेल चुके हैं, तो अब एक राजनीतिक भविष्य के रूप में अपने बेटे को यहां पर साफिया खान प्रोजेक्ट करना चाहती हैं, और वो भी चाहती हैं कि उनकी बजाय टिकट उनके बेटे आयरन खान को दिया जाए, वो युवा है, और ताकि इसका फायदा साफिया खान का जो परिवार है, जुबेर खान का जो परिवार है, उसको तो मिले ही मिले, साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी मिले। बीजेपी की बात करें तो आज जिस तरीके से यहाँ पर रायशुमारी की गई, फीडबैक लिया गया, बिल्कुल आयुष, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरे राजस्थान में रामगढ़ विधानसभा सीट है सबसे हॉट सीट मानी जाती है, और इस सीट का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है हर चुनाव में, वो विकास पर कम बल्कि हिंदू और मुस्लिम पर आधारित ज्यादा होता है। यहाँ से जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं ज्ञानदेव आहूजा, उन्होंने भी टिकट के लिए क्लेम किया है, उनके भतीजे हैं जय आहूजा, जिन पर बीजेपी ने अभी इस बार विधानसभा चुनाव में दाव लगाया था, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। और तो तीसरे हैं सुखवंत सिंह, बीजेपी से बागी होकर के चुनाव लड़े थे, वो भी चुनाव नहीं जीत पाए थे, और जो चौथा नाम बीजेपी में उभर के सामने आता है बनवारी लाल सिंघल है, वो भी टिकट के लिए यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं, अलवर से 2 बार विधायक रहे सिंघल, और फायर ब्रांड जो हिंदू नेता है उसके रूप में उनकी छवि है। टिकट किसे मिलेगा, पूरा फीडबैक यहाँ पर आज जो है कार्यकर्ताओं से जो रायशुमारी की गई, दोनों बड़े नेता अग्रवाल साहब और मदन राठौड़ साहब यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के मन की बात जानी। जी बिल्कुल, लेकिन दिनेश, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो बहुत ज्यादा कुछ इस तरीके से दिख नहीं रहा कि कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन करने के मूड में कांग्रेस होगी, क्योंकि वहां पर जो टिकट है या जो परिवार है उसमें से ही किसी को मिल सकता है, लेकिन अगर बीजेपी में बहुत सारे कैंडिडेट जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, तो इनमें से क्या कुछ रिफाइन हो पाया है, किसका पलड़ा आपको लगता है कि थोड़ा भारी है या दावेदारी मजबूत नजर आ रही है?
बिल्कुल, देखिए आयुष कांग्रेस की हम बात करें तो बिल्कुल सेट है, सिर्फ एक औपचारिक घोषणा की करना बाकी है कांग्रेस को, या तो साफिया खान या आयरन खान, ना तो कोई तीसरा अभी यहां पर कांग्रेस के बैनर तले टिकट की दौड़ में है और ना ही पार्टी के नाम पर विचार कर रही है। सिर्फ और सिर्फ जो जुबेर खान है, यदि जुबेर खान की पत्नी साफिया खान और जो आयरन खान है, तीसरा नाम यहाँ पर न तो कांग्रेस के जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं उनके हैं और उनके मन में है और ना ही यहाँ पर किसी ने अभी क्लेम किया। और जो रामगढ़ की जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक है, जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक है यहाँ पर, वो निश्चित रूप से मुस्लिम वोट बैंक है और जो मुस्लिम वोट बैंक है उसकी एक ही इच्छा है कि साफिया खान के परिवार में से, जुबेर खान के परिवार में से किसी को भी टिकट मिले, चाहे साफिया हो या उनके बेटे आयरन खान हो। बीजेपी की हम बात करें, जय आहूजा जिनको कांग्रेस ने, जिनको बीजेपी ने पिछली बार टिकट दिया था इस विधानसभा चुनाव में, वो बीजेपी के जो अरमान है उनको पूरे नहीं कर पाए, नेताओं की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए, वो सीट जय आहूजा ने लॉस्ट कर दी थी। और जो विधायक है ज्ञानदेव आहूजा, उनको पिछली टिकट नहीं मिला था, इस बार वो भी यहाँ पर टिकट के लिए क्लेम करने के लिए मैदान में कूद गए और वो, उनका दावा है कि वो बीजेपी से 3 बार विधायक रहे और बड़े एक भामस के नेता के रूप में उनकी पहचान है, तो उनको टिकट दिया जाए। और जो चौथा नाम है वो बनवारी लाल जो सिंघल है, वो भी क्लेम कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सीट जो है वो हिंदू और जो मुस्लिम की पॉलिटिक्स का है उसके हिसाब से वो अपना क्लेम यहाँ पर करते हुए अपने आप को काफी मजबूत बताते हैं। पार्टी को अगले 2-4-5-10 दिन में इस सब चीजों पर विचार करके एक फाइनल जो डिक्लेरेशन है वो करना है। बिल्कुल हाँ दिनेश, ये तो हम लोग को देखना होगा कि आज बीजेपी जो ऐलान है वो किन नामों का करती, क्योंकि कांग्रेस में बहुत पशुपेश नहीं है। अब आते हैं मुद्दों पर, क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, क्या रह सकते हैं, क्योंकि अगर ये सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और यहाँ पर थोड़ा हिंदू और मुस्लिम ये फैक्टर भी अगर काम करते हैं, तो क्या जो समीकरण है वो उस हिसाब से हमको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे, या ग्राउंड पर भी कुछ मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है जनता को टच कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसके आधार पर भी टिकट का वितरण हो सकता है? दिनेश बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए आयुष, मैं आपको बता दूं, जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, रामगढ़ जो अलवर जिला मुख्य वहां से करीब 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, शहर से बिल्कुल टच होता हुआ इलाका है। विकास की बात करें तो यहाँ पर जितने भी विधानसभा चुनाव अभी तक हुए, ज्यादातर में नेताओं ने विकास के कई दावे किए, लेकिन वो विकास के दावे उस तरीके से पूरे नहीं हुए जिस तरीके से होने चाहिए, क्योंकि विकास के दावों के साथ साथ जो यहाँ पर वोट कास्ट होते हैं, जो यहाँ पर नेताओं को एक भरोसा होता है जीत का, वो जो अपना जो जातिगत जो फैक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम, सिर्फ उनके भरोसे यहाँ पर जो जीत का दम्भ भरा जाता है। और यहाँ पर कई बार ऐसा नहीं है कि विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ, विकास भी हुआ, लेकिन विकास का मुद्दा हर चुनाव में यहाँ पर आयुष गौण दिखाई देता है। यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो हिंदू और मुस्लिम के दो जो केंद्र हैं उन्हीं पर घूमती है, और यही कारण है कि यहाँ पर कई बार इस तरह के मामले भी सामने आए हैं। और जो हिंदूवादी संगठन है और जो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और जो बजरंग दल जैसे संगठन है वो काफी सक्रिय भी हैं। जी दिनेश, मेरा बिल्कुल अंतिम सवाल यह है, जो कि अभी हम लोग सुन रहे थे और खासतौर से राठौड़ ने जिस बात को कहा कि सहानुभूति की जो लहर है वो बहुत दिन तक नहीं रहती, क्या वाकई में ये चीजें थोड़ा सा ग्राउंड पर हो रही हैं या टफ लग रहा है कि फंसा फंसा सा है ये चुनाव, कैसे देखें इसको? देखिए निश्चित रूप से सहानुभूति, राठौड़ साहब चाहे इसको इनकार करें, मदन राठौड़ जी इनकार करें, दामोदर दास जो अग्रवाल हैं वो इसको इनकार करें, लेकिन सहानुभूति एक ऐसी चीज है आयुष जिसका कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है, चाहे वो हम परसेंट में बात करें तो, चाहे 1% हो, 2% हो, 5% हो, निश्चित रूप से फर्क तो सहानुभूति का पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से 9 महीने का कार्यकाल है भजन लाल सरकार का और जो केंद्र की मोदी सरकार है, इसके कामकाज की हम बात करें उसको लेकर के बीजेपी इस कामकाज को कितना कैश कर पाती है, अपने वोटर्स को कितना कन्विंस कर पाती है, तो निश्चित रूप से उसका बीजेपी पूरा फायदा यहाँ पर उठा सकती है। और सबसे बड़ी बात है बीजेपी यहाँ पर टिकट किसको देती है, यदि बीजेपी ने यहाँ से कोई कमजोर कैंडिडेट मैदान में उतार दिया तो फिर निश्चित रूप से जो मदन राठौड़ जिस तरीके की उनकी अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि टिकट के चयन में बीजेपी ने पूरी सावधानी बरती, अप्रोच को हटाते हुए कार्यकर्ताओं की, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ का हिंदू वोट बैंक है, यदि उसकी मूल भावना को समझ करके बीजेपी ने यहाँ पर टिकट के रूप में किसी अच्छे कैंडिडेट का दाव लगाया तो निश्चित रूप से बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समीकरण को इतने बेहतर तरीके से दर्शकों को समझाने के लिए। तो हालांकि अब रामगढ़, आपको पता है कि इस सीट को लेकर के जो चर्चा है वो प्रदेश में सर्वाधिक है। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो समीकरण है वो कैसे साधे जाते हैं, क्योंकि पार्टियों के दावे अपने अपने हैं। अब ग्राउंड पर वो किस तरह से काम करेंगे, जनता किस नज़रिए से इन सारी चीज़ों को देखेगी, और इस बार का ये जो उपचुनाव है वो कितना दिलचस्प होगा, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार और करिए, क्योंकि कैंडिडेट्स का जब तक ऐलान नहीं होता, जब तक उनके नामों को पूरी तरीके से पार्टियां सामने नहीं रखती हैं, तब तक ये देखना होगा कि जो जनता का रुख है वो किस ओर जा रहा है। और अब चूंकि उपचुनाव है, पार्टियां अपने अपने जीत के दावे ज़रूर कर रही हैं, लेकिन अब देखना ये है कि किन मुद्दों के साथ, किन कैंडिडेट्स के साथ में ये जो पार्टी हैं वो चुनावों में
जाएंगी। तो 7 विधानसभा सीटों पर हालांकि उपचुनाव होना है, इनमें अलवर की रामगढ़ की सीट पर आपने देखा कि जो चर्चा है वो सर्वाधिक है। अब देखना यह है कि इसका जो निष्कर्ष है वो जनता किस प्रकार से चुनावों के परिणाम के स्वरूप में देती है।